सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो जेलर साहब और कैदियों के बीच में मुझे यहाँ खड़ा कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं इस टाइम आगरा शहर के द वेरी फेमस रेस्टोरेंट में खड़ी हूँ जिसका नाम है डी जेल हाउस। पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कुछ। जी हाँ, वेलकम टू जिंदगी 24/7। लाइफ सही है, द फूड रोड शो, स्वाद अनुसार खाते रहो। मैं आप सबका, मैं रीतिका कपूर, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही अलग है, बहुत ही क्रिएटिविटी इसमें आपको दिखेगी। तो आइए चले, मैं आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो इंतज़ार किस बात का है। इसको बनाने के पीछे एक इनका मोटिव था, कुछ अलग करने का, कुछ क्रिएटिविटी करने का। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि क्या इन्होंने क्रिएटिव किया है। आइए चलिए, मैं अभी यहाँ पे जेल में हूँ जैसे कि आप सब देख सकते हैं, और ऑर्डर लेने के लिए आज एक स्पेशल मेहमान हमारे साथ आने वाले हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगी आप सबके सामने उनको, जो कि जेल के जेलर साहब हैं ये, और आज ये ऑर्डर लेने वाले हैं मेरा यहाँ पे बैठ के, जेल स्पेशल वेज सिजलर। सो देखा आपने, सब कुछ यहाँ पे डिफरेंट है, सब कुछ यहाँ पे अलग है। वो प्रॉपर आपको ऐसा फील होगा कि आप जेल के अंदर बैठ के खा रहे हैं। जी हाँ, ये आगरा का जेल है। Amazing. Again, I'll say, look at the colors, look at the presentation. और इतना hot है कि आप देख सकते हैं वो bubbles. Oh my God. मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा। I'm going to have this. मैं बस इसको ऐसे करके grab करने वाली हूँ जल्दी से। क्या स्मोकी है, क्या कलर है, कैप्सिकम और potatoes और टमाटोज, एक कटलेट, वेज कटलेट एंड फ्रेंच फ्राइज, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स अगेन, बेबी कॉर्न, कैप्सिकम एंड कोटाज चीज, जिसे हम पनीर कहते हैं, एंड आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस फर्स्ट। वाओ, थोड़ा सा इसको सीजनिंग करते हैं और इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं विद द फ्ले एंड द सॉस। थोड़ा सा और स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं। दिस इज जस्ट वाओ। बीन्स हैं, कैरेट्स है, सुपर डुपर। आफ्टर हैविंग जेल स्पेशल प्लेटर के बाद, यानी सिजलर के बाद, अब मैं आपको खिलाने वाली हूँ। हमारे सामने है, आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल डिश। आप देख सकते हैं किस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है। इसका नाम है मलाई चाप। यस, तो अब मैं आपको मलाई चाप के टेस्ट बताने वाली हूँ। बहुत सॉफ्ट है, आई मस्ट से मलाई चाप इज वेरी गुड, वेरी सॉफ्ट, वेरी स्मूथ। खाने में भी इतना स्मूथ है ये, कहीं से भी आपको इसको च्यू करने में, इसको चबाने में मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। एकदम क्लियरली ये माउथ में मेल्ट हो रहा है।
बाकी आप सब कुछ भी जो आपको पसंद हो कुछ भी आप यहाँ खा सकते हैं, क्योंकि हर तरह की तो क्यूजीन यहाँ पे मिलता है और नॉनवेज लवर्स के लिए भी एकदम परफेक्ट प्लेस है। तो मेरा तो आज का दिन यहीं पे ख़त्म होने वाला है। आई होप यू लाइक इट। और डी जेल हाउस में आपने कि जैसे देखा कि एक नया कॉन्सेप्ट था, कुछ नया लेकर आए थे, सब कुछ जेल से रिलेटेड था, पूरी जेल वाली फीलिंग आ रही थी। तो फाइनली अब वक्त आ चला है आप सबसे अलविदा लेने का। मैं रीतिका कपूर आप सबसे लेती हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए जायके के साथ। कहाँ? आपके अपने चैनल पे जिंदगी 24/7। लाइफ सही है द फूड रोड शो, स्वाद अनुसार खाते रहो।